फिर अर्ज किया है इनकी हीर आसमानी। अरे रुक जा, अर्ज किया दोबारा बोल, इरशाद इरशाद बोलूंगी ना मैं। ओके तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद इनकी हीर आसमानी, इनकी हीर आसमानी, मेरी हीर पता नहीं। वाह 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 वाह। सो गाइस, हीर आसमानी सॉन्ग आ गया है फाइटर का। यस yes. और पहले दो जो गाने आए थे इसके, उनसे तो अलग बीट पे है काफी। एक तो मिलीजुली सरकार बनाई थी, बैंग बैंग और घुंघरू टूट गए का मिक्सचर था। हाँ, पहले दोनों गाने ऐसे लगे थे मुझे कि वो कहीं से तो अडॉप्ट किए गए हैं, और ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका म्यूजिक yes. काफी अलग है। दिस इज समथिंग फ्रेश और सरप्राइजिंगली बीपराग ने कुछ डिफरेंट किया जो अच्छा लग रहा है। रोने के अलावा या मतलब सारी दुनिया जला देंगे, इट्स लाइक अभी भी मेरी प्लेलिस्ट पे है। बट आई थिंक से सैड सैड सॉन्ग ही कर रहे थे। यस बट आई थिंक दिस हैज दैट वेलर रश, तो अभी ये मेरे जिम में तो अभी नया गाना होने वाला है, दैट्स लाइक माय न्यू फेवरेट। ओके, लेकिन मैंने जैसे मैंने गाना प्ले किया ना, क्या नाम है इस गाने का, हीर आसमानी। जैसे मैंने प्ले किया ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमें डर रहता है ना कि हमारे कंटेंट पे कॉपीराइट ना आ जाए, तो हम लोग ऐसे ओरिजिनल ऑडियो रिमूव करके कुछ और लगा देते हैं। तो जो गाने की स्टार्टिंग है ना, बिल्डअप है, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ऑडियो लगा दिया, शायद गाना लगाना भूल गए और कॉपीराइट की डर। वो बेसिकली उनको भी नहीं पता, उन्होंने ऋतिक रोशन इंट्रोड्यूस करा है उसमें। हाँ, लेकिन क्या इंट्रोड्यूस किया है, बाप रे, ऐसे ऐसे कौन करता है। बहुत बहुत मेरे अंदर से मतलब फेमिनिन अर्ज ऐसी हुई ना कि मैं जाऊं। सॉरी, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम सपोर्टिव एंड एवरीथिंग। तो ऋतिक रोशन अच्छे लग रहे हैं, प्लस मुझे एक अच्छी बात ये लगी है इस गाने में, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है मूवी में भी होगी ये, कि ऋतिक रोशन ने डिस्पाइट बीइंग द लीड एक्टर सबको स्पेस दिया है। एग्जैक्टली, गाने में तो मुझे इस वाले गाने में दिखा कि हर किसी को स्क्रीन टाइम मिला है। या और मतलब एक चीज है यार, सब सुंदर लोग हैं यार, परफेक्ट नैन नक्श फीचर्स, सब फेशियल फीचर्स, बॉडी फीचर्स, सब एकदम कट से एकदम बढ़िया, और ऐसी स्किन ऐसी चमक रही है सबकी। कोई भी दीपिका और ऋतिक तो है ही है, करण सिंह ग्रोवर, संजीदा शेख, और वो ओब्रॉय जो है आकाश ओब्रॉय, एवरीवन इज लुकिंग सो परफेक्ट। मतलब दिस इज लाइक ग्रीक गॉड की एक एसोसिएशन है। हाँ। उसको उठाया पिक्चर में डाल दिया। सब मिस्टर यूनिवर्स, सब मिस यूनिवर्स। इवन वो जो गाने के लास्ट में एक बंदा दिखाया ना, जो थोड़ा विलनिश टाइप वाइब दे रहा है यार, वो भी ऐसा परफेक्ट सा लग रहा है। परफेक्ट मतलब कैसे, एक अभी वो आया था इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर, सब फिट, दिल्ली पुलिस फिट। कुमार और कुमार ने बहुत टाइम बाद कुछ अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, सुन के मजा आ रहा है। और ये हीर आसमानी बाय द वे, ऐसा ये ना मैंने एक चीज नोटिस करी गाने में कि ये दो जगह जैसे होता है ना, एक तीर से दो निशाने, एक तो ये दीपिका पे टारगेटेड सॉन्ग भी लग रहा है, दूसरा हीर आसमानी, वो जो क्राफ्ट है एयरक्राफ्ट, उसका नाम आई गेस हीर है। यार बेसिकली जो मुझे समझ आया, आई बैक टू डिफर, दिस इज बेसिकली समवॉट दे ट्रीटिंग स्काई एज देयर लव, स्काई एज देयर हीर, बट आई फील जो उनका वो जो, तो बेसिकली एक लाइन कुछ आती है कि जो जमीन पे है ये उनको नहीं पता, बट हमारी हीर तो है आसमानी। तो कुछ ऐसा है कि दे आर सो इन लव विद फ्लाइंग, दे आर सो इन लव विद द स्काई, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज हीर आसमानी। आप हमें कमेंट्स करके बताओ आपको क्या लगता है। मतलब मुझे दो तीन पर्सपेक्टिव लगे, एक तो ये कि ऋतिक रोशन के ऑपोजिट दीपिका को दिखाया है, जो कि ऑब्वियसली एक पायलट है, तो हीरा आसमानी एक वो वाला मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जिस फाइटर प्लेन में, उनमें से किसी एक फाइटर प्लेन का नाम हो सकता है हीरो, हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। मैं सिद्धार्थ आनंद को फोन कर रहा हूँ, जॉब दे दो लड़की को। मुझे ऐसा लग रहा है, वेरी क्रिएटिव, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अरे यार चुप रहे। अरे एक चीज और, अब मेरा नया फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, क्या माउथ ऑर्गन। ओ ओए होए होए, क्या क्या प्ले किया है। आहा हा, मतलब मैं कहता हूँ अगर ऋतिक रोशन ने ऐसा दिव्या को छू दिया, दिव्या हॉट, मुझे छू दिया, मैं सेक्सी, उनके हाथ में कुछ भी आ जाता है ना, वो हॉट हो जाता है, वो सेक्सी हो जाता है। जैसे कि पूरी कास्ट हो गई है। ये कास्ट पाप। लवली लवली, मुझे कास्ट अच्छी लगी। हाँ वो बात और है कि सबको इतना सुंदर देख के ना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरे को तो गरीब फील होता है। हाँ। देखो पैसों से वैसी गरीब, शक्ल से भी, शक्ल बहुत ज्यादा गरीब। सही है, सही है। सो यार दिस वाज आवर रिएक्शन फॉर द सॉन्ग हीर आसमानी।
बाकी मूवी आएगी, मूवी देखेंगे. अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी को लेके. आई हैव वेरी हाई होप्स विद द मूवी. व्हाट अबाउट यू? यस, ऑब्वियसली वेरी हाई होप्स. एक तो आ ऐसे टाइम पे रही है, रिपब्लिक डे वाले टाइम पे. और फिर उनका ऐसा क्लेम भी है कि रिपब्लिक डे बदल जाएगा, जो हमने पहले भी बताया था कि ऐसा है. तो लेट्स सी, बदलेगा नहीं बदलेगा. रिपब्लिक डे बदल जाएगा मतलब क्या? हाथी अभी क्या वीली मारेंगे कैसे? हाँ तो क्या मतलब ऐसा हाथी घोड़े चश्मे पहन के आ रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है गाने को लेकर, इस वाले को लेकर, हीरा आसमानिया पर जो इससे पहले भी दो गाने आ चुके हैं फाइटर के, उनको लेकर? व्हाट डू यू फील अबाउट द सॉन्ग्स एंड अबाउट द मूवी फाइटर? डू लेट अस नो इन कमेंट्स. लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ईएनटी लाइव. यार जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो. या क्या, चल पैसों की पार्किंग है ये. बाय बाय.